लॉकडाउन में पवन के 3 बड़े रिकॉर्ड जो कि शायद ही कोई सोच सकता था। जी हाँ, लॉकडाउन पूरे देश में था। लोग ये कह रहे थे कि भाई कोई काम नहीं कर सकता, सभी को घर बैठना है, लेकिन विषम परिस्थितियों में भी स्थिति ऐसी पैदा की जा सकती है जहाँ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और यही कुछ कर दिखाया है पवन सिंह ने। पवन सिंह से ही लोगों ने सीखा और कई लोग उनसे इंस्पायर होकर शूटिंग बड़े ही सेफली जोन में शूटिंग की। खैर, आगे हम आपको पवन सिंह के 3 ऐसे कारनामे बताएंगे जिसे सुनने के बाद अगर आप पवन सिंह के फैन हैं, आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बम्पर सक्सेस है पवन सिंह की, मीठा मीठा बाथे कमरिया। जी हाँ, मीठा मीठा बाथे कमरिया के ऑडियो वीडियो दोनों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और दोनों को अगर आप काउंट करें तो 72 मिलियन व्यूज़ हासिल किया है, और लाइक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। साथ ही साथ इस गाने ने एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अगर ये गाना इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो ये गाना छलकत बहमरो जवनिया से भी बम्पर हिट होगा। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा गाना जो पवन सिंह का पसंद आया, मधु शर्मा के साथ कोई बात नहीं, जिसने 15 मिलियन व्यूज़ हासिल किए हैं 1 महीने में। और इस गाने को लेकर लोगों ने मधु और पवन की जोड़ी को भी बहुत पसंद किया, और साथ ही साथ इसकी लोकेशन को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। ये लॉकडाउन से बहुत पहले शूट हुआ गाना था और बीच में कुछ सरकमचांसेस के वजह से रिलीज़ नहीं हो पाया, लेकिन लॉकडाउन में अच्छा मौका था पवन के फैंस के लिए, तो ये बेवफाई वाला सॉन्ग रिलीज़ हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया। तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ जो कि हनुमान चालीसा के रूप में, जी हाँ, पवन सिंह की हनुमान चालीसा ने लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस कराया। इसमें उनका साथ दिया था बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने, और इस हनुमान चालीसा को लोगों ने सुना और लोगों को बहुत पसंद आया। फिर वो चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग रहे हों या फिर रहे हों बॉलीवुड के इंडस्ट्री के लोग, सभी को ये नई हनुमान चालीसा बहुत पसंद आई। और इस हनुमान चालीसा ने पवन के जितने भी अभी तक गाने रिलीज हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा लाइक्स पाकर ये सुर्खियाँ बटोरती नजर आई। साथ ही पवन को सोलफुल वॉइस का भी इसमें दर्जा मिला। तो भाई, अगर आप पवन सिंह के फैंस हैं तो उनके इन कारनामों से तो खुश हो ही गए होंगे। वैसे भी पवन को एंटरटेन करना बहुत ही बखूबी आता हो, फिर वो चाहे आरा में रहें, फिर चाहे मुंबई में रहें, या फिर रहे देश के बाहर, वो अपने फैंस का मिजाज जानते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।